भारत ने पाकिस्तान से उरी में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। पीओके में घुसकर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सेना के जवानों ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया। सेना के जवानों ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। एलओसी पार कर पीओके में हेलीकॉप्टर से 25 पैरा कमांडर उतरे और आतंकियों के 8 लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक में 42 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आतंकियों को बचाने आए पाकिस्तानी सेना के 2 जवान भी ढेर हो गए। सबूत के तौर पर भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियोग्राफी भी कराई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पीएम मोदी रात भर सो नहीं पाए और सुबह करीब 4:30 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उन्हें मिशन के सफल होने की जानकारी दी। पीओके में इंडियन आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर एक भारतीय जवान के पकड़े जाने का दावा किया। हालांकि इंडियन आर्मी के डीजीएमओ ने जानकारी दी है कि भारतीय सेना का एक जवान गलती से एलओसी पार कर गया और इसका सर्जिकल स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है। एलओसी पर सेना की कार्रवाई के बाद पंजाब में सीमा से सटे गांवों को एहतियातन खाली करवा लिया गया है। केंद्र ने बादल सरकार से सीमा से सटे 10 किलोमीटर का इलाका खाली कराने को कहा। बीएसएफ भी हाई अलर्ट पर है। वहीं जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और सांबा सेक्टर से एहतियातन लोगों को हटाया जा रहा है और साथ ही सीमा से सटे गांवों को भी खाली कराया जा रहा है। सरहद पर हो रही हलचल के बीच पंजाब में पठानकोट के सिविल अस्पताल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल के आपातकालीन वार्ड को खाली करा लिया गया है। सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद महाराष्ट्र के सभी समुद्री तटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र पुलिस लगातार नौसेना के संपर्क में है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने सभी एजेंसियों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। वही समंदर में भी गश्त तेज कर दी गई है। दुश्मन के पलटवार के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में नौसेना बेस को अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार किया है। हालांकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के मुताबिक भारतीय सेना की कार्रवाई में उनके 2 फौजी मारे गए जबकि 9 घायल हैं। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर आगे भारत ने इस तरह की कार्रवाई की तो पाकिस्तान इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। भारतीय सेना की कार्रवाई से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ राहिल शरीफ से फोन पर बात की। राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ को पूरी घटना का ब्यौरा दिया और मौजूदा हालात की जानकारी दी। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार ने एलओसी के हालात पर नवाज शरीफ को रिपोर्ट भी सौंपी। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बमबावले को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने तलब किया। पाक विदेश मंत्रालय ने एलओसी पर फायरिंग को लेकर एतराज जताया। पीओके में सर्जिकल अटैक के बाद नवाज शरीफ ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। 5 अक्टूबर को पाक संसद का विशेष सत्र होगा। अमेरिका ने भारतीय सेना के कदम को जायज ठहराया। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का बांग्लादेश ने खुलकर समर्थन किया। प्रधानमंत्री शेख हसीना के सलाहकार ने कहा कि भारत को अपनी संप्रभुता पर हमले की सुरक्षा का पूरा हक है। कश्मीर पर बांग्लादेश ने साफ किया कि वो द्विपक्षीय विवाद है और उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। बांग्लादेश ने कहा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए किसी कीमत पर नहीं होने देगा। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सभी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए सेना को बधाई दी। सर्वदलीय बैठक में सबसे पहले डीजीएमओ ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। इसके बाद एनएसए ने कुछ और जानकारियां साझा की। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेताओं ने ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी मांगी जिसे सरकार ने उचित समय पर सार्वजनिक करने का भरोसा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान जारी कर सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना को बधाई दी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बधाई दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीओके में घुसकर आतंकियों को मार गिराए जाने पर भारतीय सेना और पीएम मोदी की बधाई दी। पीएम की तारीफ करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने यह साबित कर दिया है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएम मोदी और सेना की तारीफ की। रामदेव ने कहा कि पीएम ने देश के आक्रोश को देखते हुए सही तरह से जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भारतीय सेना से पंगा न लेने की चेतावनी दी। सेना की कार्रवाई पर उरी हमले में शहीद एसके विद्यार्थी के परिवार ने खुशी जताई। शहीद के परिवार ने कहा कि आतंक का जड़ से खात्मा जरूरी है। एलओसी पार करते हुए जवाबी हमले को लेकर मुंबई के बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। पटना में लोगों ने रंग गुलाल और पटाखे चलाकर पाकिस्तान को
दिए मुंहतोड़ जवाब का जश्न मनाया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सर्जिकल ऑपरेशन के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए मिठाइयां बांटी और जमकर आतिशबाजी की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में भी लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी पर महाराष्ट्र के सांगली में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पर पाक की ओर से फायरिंग तेज हो गई है। पाक की ओर से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। सब्जियां मेंढर और नौशेरा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मेंढर के मनकोट इलाके में आतंकियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया। सार्क और सिंध समझौते के बाद मोदी सरकार ने दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को हवा में घेरने की शुरुआत कर दी है। भारत पाकिस्तान के बीच विमानों की उड़ान को लेकर पीएमओ ने उड्डयन मंत्री से रिपोर्ट मांगी है और हवाई रूट की समीक्षा होगी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना को बॉलीवुड से बधाई देने वालों का तांता लग गया। लता मंगेशकर ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना और प्रधानमंत्री को बधाई दी। ट्विटर पर एक वीडियो भी उन्होंने डाला। जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी सिन्हा ने फौज की इस कार्रवाई को आतंकियों के लिए मुंहतोड़ जवाब बताया। दोनों ने सेना को थैंक यू बोला। सेना की सफलता पर आशा भोसले ने ट्विटर पर जय हिंद लिखा तो वरुण धवन ने देश के लिए गौरव बताया। पंजाब में सीमा से सटे इलाकों में किसी भी हालात से निपटने के लिए फूड सप्लाई विभाग ने कमर कस ली है। फूड सप्लाई विभाग ने चिट्ठी लिखकर सीमा से सटे इलाकों में 25 राहत कैंप खोलने की बात कही, जिसके लिए राहत सामग्री के कुल 75,000 पैकेट तैयार किए जाएंगे। गुजरात के सूरत में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान जमकर नोट बरसाए गए। सूरत के व्यापारी महेश सावड़ी ने उरी हमले के शहीदों के परिजनों के लिए वतन के रखवाले कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस भजन कार्यक्रम में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की बारिश की गई। इस पूरी रकम को उरी हमले में शहीद परिजनों को दिया जाएगा। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। यूपी में किसान संदेश यात्रा के जरिए किसानों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम के तहत राहुल गांधी आज रोड शो करेंगे। रोड शो के दौरान राहुल गभाना होते हुए अलीगढ़ में दाखिल होंगे। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन राष्ट्रपति भवन का डिजिटल संग्रहालय जनता के लिए खुलेगा, जिसके बाद यहां आने वाले लोग संग्रहालय के नायाब अनुभव से रूबरू हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जिला चिकित्सालय की लापरवाही से एक प्रसूता को सड़क किनारे ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। महिला का आरोप है कि अस्पताल से महज 100 मीटर की दूरी होने के बावजूद डिलीवरी से पहले एम्बुलेंस उसे लेने नहीं पहुंची। अलीगढ़ में लोधा के नांदा पुल के पास हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कंटेनर में भीषण आग लग गई। बरेली से कंटेनर वापस लौट रहा था। कंटेनर के ड्राइवर और क्लीनर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एमपी के जबलपुर में मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में करीब 28 मजदूरों को चोटें आई हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के हापुड़ में राम जन्म शोभा यात्रा के दौरान लोगों के सामने जमकर अश्लील डांस परोसा गया। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने रामलीला समिति के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सूरत के चिड़ियाघर में इकलौता शेर श्यामल की पिछले 20 दिनों से तबीयत खराब बताई जा रही है। पिछले एक हफ्ते से शेर ने खाना भी छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि शेर की किडनी में समस्या है, जिसके चलते उसकी तबीयत खराब चल रही है। यूपी के पीलीभीत में न्यूरिया थाना इलाके में नहर किनारे से गुजर रही महिला पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ ने हमले के दौरान महिला खेत से अपने घर जा रही थी। झारखंड के गिरिडीह में पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल सितंबर 2014 को दोषी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति धर्मेंद्र पांडे की हत्या कर दी थी। बिहार के गोपालगंज में 2 भाइयों के बच्चों के मामूली विवाद में बहू ने अपने ही सास की उंगली धारदार चाकू से काट दी। यही नहीं, इस घटना के बाद आरोपी बहू अपने भाइयों के साथ अस्पताल पहुंच गई और इलाज करा रही सास और देवर के अस्पताल परिसर में दोबारा जमकर पिटाई कर दी। राजस्थान में उदयपुर के पहाड़ा थाना इलाके में चाकू की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थी और इसी दौरान आरोपी युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर नाबालिग को चाकू की नोक पर अगवा कर लिया और उसके साथ रेप किया। पीड़ित बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
आगरा में महाराष्ट्र के एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है युवक और युवती अलग अलग समुदाय से थे। यूपी के बहराइच में एक 70 साल के बुजुर्ग पर 7 साल की मासूम से रेप की कोशिश करने का आरोप लगा है। बच्चे के शोर मचाने पर परिजनों ने आरोपी की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के गोरखपुर में ढोल बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान पत्थरबाजी में एक पक्ष के एक युवक का सर फूट गया। वही उपद्रव की सूचना पर मौके पर पहुंचे लोग वहां पहुंचे, उन्होंने जमकर हंगामा किया और हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। यूपी में अलीगढ़ के थाना खैर इलाके में लगातार हो रही लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूट की गाड़ियों सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में प्रेमपाल नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 20 रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे फर्जी आर्मी अफसर को गिरफ्तार किया जो खुद को मेजर रैंक का अधिकारी बताकर चोरी हुई गाड़ियों को बेचता था। इंदौर में 21 दिन पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट की कार चुराने वाली 2 लड़कियों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में अपने बेटे की परवरिश में कमी के शक को लेकर 6 महीने की बेटी की हत्या करने वाली मां को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। रणबीर कपूर की फिल्म मैं दिल है मुश्किल का नया गाना चना मेरिया रिलीज कर दिया गया है। इस इमोशनल गीत को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी। जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म फूस 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म में जॉन मुंबई पुलिस अफसर की भूमिका में है, वहीं सोनाक्षी रॉ एजेंट बनी है। धोनी की बायोपिक पर बनी फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आज रिलीज होगी। फिल्म में सुशांत सिंह धोनी का किरदार निभा रहे हैं। अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर ने फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के लिए हाल ही में शाहरुख खान और काजोल की फिल्म DDLJ से ट्रेन सीक्वेंस को शूट किया, मगर एक छोटे ट्विस्ट के साथ। इस ट्विस्ट में श्रद्धा ट्रेन में गेट पर खड़ी नजर आती हैं और अर्जुन ट्रेन के साथ दौड़ते दिखते हैं, जबकि DDLJ में शाहरुख ट्रेन में होते हैं। अभिनेत्री करीना कपूर खान ने खुद को सेल्फी क्वीन बताया है। करीना ने कहा है कि वो हर 5-10 मिनट में सेल्फी लेती है। मां अमृता सिंह की वजह से सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान ने एक फिल्म छोड़ दी। खबरों के मुताबिक अमृता कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तों के लिए तैयार नहीं थी। इस फिल्म में सारा शाहिद कपूर के छोटे भाई ईशान खट्टर के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के विरोध के बाद पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का गुड़गांव में अगले महीने होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। वह इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने अपने सदस्यों ने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करने की अपील की है। खबर है कि जल्द ही प्रियंका चोपड़ा एक ब्यूटी प्रोडक्ट के विज्ञापन में ऐश्वर्या राय की जगह नजर आने वाली हैं। हॉलीवुड में प्रियंका की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कंपनी ने यह फैसला किया। आलिया भट्ट की ना के बाद रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 4 मुश्किल में फंस गई है। कहा जा रहा है कि करण जौहर की नाराजगी से बचाने के लिए आलिया ने अजय देवगन के साथ रोल करने से इनकार कर दिया। प्लेबॉय मैगजीन ने पहली बार अपने अक्टूबर अंक के लिए हिजाब पहने जर्नलिस्ट को जगह दी है। नूर तगोरी ने प्लेबॉय के लिए करवाए गए फोटोशूट की तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। मशहूर रियलिटी शो के स्टार किम फ्रेंच फैशन हाउस से निकली ही थी कि एक शख्स ने उनके साथ गंदी हरकत कर दी, जिसके बाद किम के बॉडीगार्ड ने उसकी पिटाई कर दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट आज से कोलकाता में खेला जाएगा। भारतीय जमीन पर 250वें टेस्ट में जीत के लिए विराट की सेना पूरी तरह से तैयार है। बीसीसीआई की आज स्पेशल जनरल मीटिंग होने वाली है, जिसमें लोढ़ा समिति की सारी सिफारिशों को मानने के साथ अनुराग ठाकुर समेत कई आला अधिकारी इस्तीफा दे सकते हैं। ढाका में खेले गए हॉकी अंडर 18 एशिया कप के मैच में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर भारत फाइनल में पहुंच गया है।